लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का चुनाव अभी 1 जून को होना है, उससे उसके लिए प्रचार प्रसार की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के दनियामा में पहुंचे हैं और दनियामा उनका एक तरह से गृह क्षेत्र रहा है क्योंकि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में यह पड़ता है। नीतीश कुमार यहाँ आए भी, कई तरह के भाषण भी दिए, आरजेडी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। तो स्लीप ऑफ टंग की जो बात है नीतीश कुमार के को लेकर बार बार आ रही है, कभी कभी उनका जो स्लीप ऑफ टंग बार बार हो रहा है, आज भी एक स्लीप ऑफ टंग हुआ है। हमारे साथ कुछ नेता है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लगे हुए थे, यहाँ के जेडीयू से है। हम जेडीयू के प्रखंड, मेरा नाम नवनीत कुमार हुआ और जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष। नीतीश कुमार जी काफी पॉपुलर इस जगह के लिए तो हर बार लीड किए हैं, यहाँ भी आए पहले उनका भाषण सुन के कैसा लगा? अच्छा लगा, हमारे नेता का भाषण अच्छा लगेगा तो और बुरा लगेगा? हर बार वो उनका स्लीप ऑफ टंग हो जाता है, आज उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, जवान किसी को भी फिसल सकता है, आपको भी फिसल सकता है। बार बार कुछ दिन पहले वो 4 लाख बोल दिए, 400 के बजाय 4000 बोल दे रहे हैं, बार बार क्यों फिसल जा रहा है भाई? आप ये एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी अब बोल रहे हैं, अब बोलते बोलते कोई भगवान तो नहीं है, आदमी है, हो सकता है जवान उनकी फिसल गई। रविशंकर को लेकर क्या है? रविशंकर प्रसाद जी भारी महत्व से विजय होंगे, हम लोग लगे हुए हैं बूथ स्तर तक कि ज्यादा से ज्यादा। कई जगह देखा जा रहा है कहीं विरोध नहीं है, रविशंकर प्रसाद भारी मतों से बख्तियारपुर विधानसभा से लीड करेंगे और पटना लायक पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से 4 लाख वोट से जीतेंगे। देखिए ये इनका दावा है 4 लाख से जीतेंगे, लेकिन हर जगह गुस्सा देखने को मिल रहा है। ना जनता सब खुश है नीतीश बाबू से, सब जनता बिहार के जनता खुश है, नीतीश बाबू से खुश है, रविशंकर बाबू से सब खुश है। रविशंकर बाबू पुराना नेता है भाजपा के, जमीनी स्तर के नेता है। आप जेडीयू से हुए? हाँ जेडीयू। बीजेपी के भी नेता है, आप बीजेपी से हैं? जी बीजेपी से हैं। सर क्या लगता है, ये अब तो मात्र कुछ ही दिन से बचे हुए हैं, क्या लगता है आपके जो रविशंकर प्रसाद उनको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि आते नहीं है? हम जीते थे और जीतेंगे, मेरा साफ बात है, लेकिन जनता का मूड है कि कौन, जनता का मूड है, जनता कौन कह रहा है? जब हम जीताए हैं तो फिर जीतेंगे वो। अब की बार 400 के पार है नारा, राम मंदिर 370 हमारे दिल में है, कोई नहीं आने वाले हैं। लेकिन सांसद को भी लोग चाहते हैं कि हमारे पास आए। सांसद तो हमारे ऑलरेडी रहे करते हैं, वो जुड़े हुए हैं, हमारे कानून मंत्री है, 3 तलाक जुड़ का रोड इतना काम किया बिहार में हमारे। क्या लगता है सांसद के लोगों के प्रति है कि सांसद आते नहीं है? हाँ थोड़ा शिकायत है, लेकिन वोट तो हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को देख कर देते हैं। देखिए शिकायत है, ये जेडीयू कार्यकर्ता है, मानना है कि शिकायत तो है, आते नहीं है, लेकिन हर हाल में नीतीश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा लोग देख रहे हैं और हर हाल में रविशंकर प्रसाद जीतेंगे, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, दनियामा।